हिमाचल में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा के इंद्रपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। 72वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनर्स को निराश नहीं किया है। सीएम ने इंदौरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 1 जुलाई 2018 से कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनर्स को 4% अंतिम राहत की घोषणा की है। इससे सरकार के खजाने पर 260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं जिन्हें केंद्र से पेंशन नहीं मिलती है उनकी पेंशन 500 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में जो भूतपूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं जिनको भारत सरकार से कोई पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें वर्तमान में हिमाचल सरकार द्वारा प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में मात्र 500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि 500 प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके आने वाले समय में इसको 3000 कर दिया जाएगा और लगभग 1.60 करोड़ की लागत इस पर भी पैसा हम इस पर खर्च करेंगे। और उसके साथ साथ में एक और बात, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों व आश्रितों के लिए पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना विशेष निधि से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपए रखा गया है और इस 3 लाख रुपए से इसको बढ़ा करके 7 लाख रुपए करने का हमने निर्णय लिया। और इस योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्तियाँ, पूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक कोर्सों हेतु छात्रवृत्तियाँ, सशस्त्र सेना में अधिकारी बनने के लिए SSB साक्षात्कार की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 5000 पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश में जो है लाभान्वित होंगे। मैं सबको इस योजना के माध्यम से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको बधाई दे। और इसके साथ साथ में कर्मचारी अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिमाचल के विकास के लिए, योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए। और उस दृष्टि से मुझे बहुत आवश्यक लगता है कि कर्मचारियों पेंशन को अंतरिम राहत की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी पेंशन को मेरी बजट घोषणा के अनुसार 1/7/2018 से 4% अंतरिम राहत प्रदान की जाएगी। ये भी मैं आज के सफल और इससे प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी तथा 1,20,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे और इससे कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को 260 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। ये भी मैं आज के शुभ अवसर पर उन कर्मचारियों की सेवाएं जो प्रदेश हित में दी जा रही हैं या जिन्हें अपनी सेवाएं दी हैं उनके लिए मुझे लगता है कि आज के दिन ये वहीं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शिक्षा मंत्री ने परेड की सलामी लेने के बाद रिज मैदान से लोगों को संबोधित कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आजादी के बाद जब हिमाचल अस्तित्व में आया उस वक्त प्रदेश मूलभूत सुविधाओं से वंचित था, लेकिन प्रदेश के लोगों को कड़ी मेहनत से आज पहाड़ी प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। सरकार जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से हर माह जनता के दरबार में जा रही है और जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। ई समाधान के माध्यम से भी जन समस्याओं को सुनकर तुरंत निपटारा किया जा रहा है। सरकार ने सत्ता में आते ही वृद्ध पेंशन की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 साल कर दिया है। भारत माता की जो हमारी सीमाएं हैं उनके सभी को जो है वो सुरक्षा के लिए अनेकों जो है वो नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। भारत प्रत्येक भारतवासी जो है वो उनके प्रति कृतज्ञ है और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से जो है ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो इस शिमला हिल्स की 36
छोटी छोटी जो है रजवाड़ा शाहियाँ थी उनको समाप्त करके जो है वो हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि 15 अगस्त और 16 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के इतिहास में प्रजामंडल मूवमेंट पहली बार ठियोग से जो है प्रारंभ हुई थी, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई थी। सूरत राम रमेश के रूप में प्रधानमंत्री के पद पर जो शोभित किया था। और दूसरा प्रजामंडल की मूवमेंट जो है वो सुंदर नगर क्षेत्र रियासत के खिलाफ हुई थी। तो और हिमाचल प्रदेश जो है वो इस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो एक बहुत पिछड़ी हुई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ जो है वो क्षेत्र था, उसमें आज़ादी के बाद जो है वो बहुत भारी जो है विकास हुआ है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता को और शिमला जिला की जनता को बहुत बहुत जो है बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।